हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स विद अहमद रज़ा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेन चीज़, मतलब प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, वो ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए। प्रोडक्ट हंटिंग इज़ दी बैकबोन ऑफ अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल, क्योंकि प्रोडक्ट जितनी आपकी प्रोडक्ट हंटिंग जितनी हंटिंग जितनी वो होगी आपकी मजबूत, उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट मिलेगा, उतना अच्छा प्रॉफिट होगा और उतना अच्छा आप सर्वाइव कर सकते हो मार्केट में। तो चलें हम शुरू करते हैं वीडियो। तो हमने अमेज़ॉन के पेज पे चले गए, तो सबसे पहले हमने जो काम करना है, ये जो डिलीवर टू कराची है इसको हमने चेंज करके ये करना है, यहाँ न्यूयॉर्क का मैं डाल देता हूँ, तो ये रिज़ल्ट वहाँ के शो होंगे। तो हम लाइव प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे इसमें, कि मैंने भी अभी प्रोडक्ट नहीं ढूंढा हुआ। कुछ लोग करते हैं कि उन्होंने पहले से प्रोडक्ट ढूंढा हुआ होता है, वो जाते हैं और वो आपको दिखा देते हैं। मैं लाइव सप्लायर भी देखेंगे इसमें और प्रोडक्ट भी देखेंगे, तो सप्लायर भी ढूंढेंगे और प्रोडक्ट भी। तो सबसे पहले हम बेस्ट सेलर्स में चले जाते हैं, और बिल्कुल मैं अभी लाइव कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि कैसा प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें हम कोई सी भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं करता हूँ पैड सप्लाइज। पैड सप्लाइज कैटेगरी, अच्छा अब ये थोड़ा करेंगे तो ये खुल रहा है इस तरह। ये एक टूल है हीलियम 10, ये फ्री है, इसमें आपको कोई परेशानी होने की बात नहीं है। अभी हम सब चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो भी बता दूं मैं हीलियम 10 के बारे में, कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है हीलियम 10। हमने सर्च किया हीलियम 10 एक्सटेंशन, हीलियम 10 एक्सटेंशन, और यहाँ पे हमने ये, मैं आपको करके भी दिखा दूँ फ्री क्रोम एक्सटेंशन। यहाँ पे आपने जाके फ्री साइन अप करना है और क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। ये देखें, ये है मेरी क्रोम एक्सटेंशन उसकी, तो यहाँ जाके आपने क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ये क्रोम एक्सटेंशन, यहाँ लॉगिन करेंगे तो क्रोम एक्सटेंशन का वो आ जाएगा, तो ये आपके पास रिजल्ट शो हो जाएंगे। तो इसमें ये आसानी होगी कि आप फुलफिलमेंट बाय देख सकते हैं अमेज़ॉन। तो हमने थोड़ा सा क्राइटेरिया भी डिस्क्राइब करना है, तो क्राइटेरिया लिख लें कि बी एस आर लेस देन 80,000 होना चाहिए, BSR लेस देन 80,000 होना चाहिए, और BSR हमने कैलकुलेट कर लिया, और प्राइस होनी चाहिए हमारी 25 to 50 या कितने भी हो सकती है 25, क्योंकि हमारा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाए इस वजह से। और अमेज़ॉन नो इन दिस लिस्ट, अमेज़ॉन नहीं होना चाहिए, और इस तरह के हो तो, और FBA होने चाहिए, FBA 4 to 5 मिनिमम 4 होना चाहिए, मिनिमम फोर होना चाहिए। तो हम देखते हैं, सॉरी क्या खुल गया। अब देखें, हमने इस टूल से ये फ़ायदा होगा कि ये FBA लिखा आ जाएगा, जहाँ ये AMZ यानी अमेज़ॉन बैठा होगा उस लिस्ट पे तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि उस पे हमें बाय बॉक्स मिलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये जो जितने भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं इसको हम देख के ही छोड़ देंगे, खोलेंगे भी नहीं। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये 3 FBA लिखा हुआ है और इसमें फुलफिलमेंट बाय ये लिखा हुआ है, वेरिएशन भी नहीं है, तो ये प्राइस थोड़ी सी लो है, लेकिन हम चेक करते हैं फर्दर। तो ये देखें, ऐसे प्रोडक्ट्स को भी हम छोड़ देंगे, ये जो प्रोडक्ट है ये सब प्रोडक्ट्स को छोड़ देंगे, सिर्फ जिसमें ऐसे प्रोडक्ट आएंगे ना इसमें जाएंगे। अभी ये प्रोडक्ट जो था इसको हम खोल के देखते हैं। अच्छा जी, इस प्रोडक्ट पे अमेज़ॉन नहीं बैठा हुआ और 9 बंदे बैठे हुए हैं, और वो 13.99 का बिक रहा है। तो ये देखते हैं कि ये कहीं और हमें इससे सस्ता मिल सकता है 13.99। तो हमने जस्ट इसके जो टाइटल कॉपी किया है
और नया टैब खोला है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया बस, और कुछ नहीं किया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ कितने का बिक रहा है, 13.99। अब हम कहीं और जाएंगे, वॉलमार्ट पे देखते हैं वॉलमार्ट पे कितने का बिक रहा है। वॉलमार्ट खोल लिया और दो तीन सप्लायर ऐसे खोल लेते हैं, ईबे खोल ले। ईबे तो पहले ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है, तो इस वजह से ईबे को हम स्केप कर देंगे। choose.com खोल लेते हैं और ऐसे ऐसे देखते हैं। यहाँ पे हमें यही प्रोडक्ट 7.99 का बिक रहा है, ये देख लें आप, यहाँ 13.99 और 7.99। लेकिन जब इसमें से FBA फीस कटेगी, रेफरल फीस कटेगी, तो फिर ये हमारे पास प्रॉफिट नहीं बचेगा। और प्रेप सेंटर की फ़ीस जब कटेगी तो ये हमारा प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। ये प्रोडक्ट इससे कम में हमें ढूंढना है, इससे कम में हमें ढूंढना है। तो ये इससे कम में मिल नहीं रहा और ये भी कम है, तो हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। क्योंकि इसकी वजह यह है कि इस ये 13.99 है, अगर कोई कम में भी देगा तो हमें प्रॉफिट बहुत कम होगा। ज़्यादा प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो हम और देख लेते हैं प्रोडक्ट्स। जैसे ये 37 सप्लायर बेच रहे हैं और इसका बाय बॉक्स, NA का मतलब होता है इसका बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, तो इसको हम खोल के देखते हैं। इसमें FBA, लेकिन हम पहले चेक करेंगे कि अमेज़ॉन तो नहीं बैठा हुआ इस पे। अमेज़ॉन बैठा हुआ होगा तो हम इस लिस्ट पे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ख़ुद बाय बॉक्स ले लेगा। सी ऑल बाइंग ऑप्शन यहाँ आके देखते हैं हम कि यहाँ पे ये FBM बंदा कर रहा है, ये भी FBM यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। जहाँ सोल्ड बाय लिखा हो और शिप बाय, ये दोनों नाम एक ही हो, तो इसका मतलब ये खुद ही पैक कर रहा है, खुद ही शिप कर रहा है, और ये FBM हो रहा है, FBA नहीं हो रहा। लेकिन अब ये देखें अमेज़ॉन, नहीं नहीं देखें, ये देखें ये बंदा जो है ना, ये देखें, ये सोल्ड बाय ये माइक फ्लिप्स और ये शिप बाय amazon.com। तो इसका मतलब ये FBA कर रहा है और ये भी FBA कर रहा है कि शिप फ्रॉम amazon.com, और ये इसका मतलब ये प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, इसके हम सप्लायर ढूंढ सकते हैं। ये इसका बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, तो ये कितने का बेच रहे हैं, सबसे लोएस्ट प्राइस 35.44 है। अब हमें 35.44 से नीचे का प्रोडक्ट ढूंढना है ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। हमने डायरेक्ट यहाँ से कॉपी किया, यहाँ हमने पेस्ट करना है और देखते हैं इस पहली आ गई, इसको खोल लिया। वॉलमार्ट को देखते हैं, वॉलमार्ट और टारगेट भी अच्छी वो है, target.com जो है ये पेड सप्लाईज के लिए अच्छी वो है। और ये इसका सप्लाई, हमने चार खोल लिया अभी, तो हम इनको देखते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट ये है, 30 canes हैं ये प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ चलते हैं 30 canes और ये प्रोडक्ट। हमें बिल्कुल सेम प्रोडक्ट चाहिए होगी, और हम वॉलमार्ट पे ये अवेलेबल नहीं है शायद, बल्कि ये मैंने रिफ़्रेश किया तो आ गई 25.46, और यहाँ मिली है 35 पॉइंट कुछ की मिली थी, 35.44, लेकिन यहाँ 25.46। देखें ये 25 की बिक्री है और वहाँ पे 35 की मिल रही है, इससे लोएस्ट ये देखें ये यहाँ पे, लेकिन यहाँ 30 canes हैं। यही चीज़ हमें एनालाइज करनी है कि ये 30 canes हैं और ये जो इस वेबसाइट पे 24 canes की प्राइस बता रहे हैं 20.99, वरना अगर ये 20.99 की बिक्री होती तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट होती, हम इसको फ़ौरन उठाते और देन लिस्ट कर देते। ये देखें ये 24 canes बिक रही हैं, तो जिसकी वजह से हम 30 canes वाले को ढूंढते हैं। थर्टी का है ना ये,
30 कैंस और ये, लेकिन ये फ्लेवर चेंज है, फ्लेवर भी हमें देखना है। ये देखें, ये फ्लेवर चेंज है, ये वाला पोल्ट्री एंड बीफ और यहाँ ग्रेवी लवर्स। तो ये हम प्रोडक्ट छोड़ देंगे, देखते हैं ये इसको फिर छोड़ देंगे हम, इस पे नहीं मिल रहा तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे मिल रहा है वॉलमार्ट पे, ये भी थोड़ा सही नहीं है, प्राइस प्राइस नहीं आ रही, तो यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये 25.46 और यहाँ पे 35, लेकिन हमें और नीचे का सप्लाई ढूंढना है ताकि हमें और प्रॉफिट हो। ये प्रॉफिट रिलायबल नहीं होगा। सैम्स क्लब पे देख लेते हैं, सैम्स क्लब पे कितने का मिल रहा है। सैम्स क्लब पे मिल तो रहा है, लेकिन ये 48 केन्स हैं। हमें जो चाहिए वो है 30। तो कुछ और देखते हैं, 30 केन्स और फ्लेवर भी वही होना चाहिए। पेट सप्लाइज में ये मसला होता है कि हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है। बाय वन गेट वन फ्री, लेकिन ये 12 पैक दे रहा है। ये प्रोडक्ट छोड़ देंगे क्योंकि इसके सप्लायर बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। ये प्रोडक्ट हम छोड़ देंगे, दूसरे प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। दूसरा प्रोडक्ट इसमें एक ही FBA बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि ये PL का मतलब प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट हो, तो हम इसे छोड़ देंगे। अभी लोडिंग ले लें, फिर आगे चलते हैं। ये प्रोडक्ट हमने पहले खोल के देख लिया था, तो हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, अब एक मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। एक ये ट्रिक है कि हमने जैसे ये 8 सप्लायर बैठे हैं, इसको मैं खोला, एक ट्रिक है ये बहुत अच्छी। इसका बाय बॉक्स सरप्राइज्ड है, तो इसको देखते हैं कितने का बिक रहा है। अब इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक पहले शेयर कर दूं कि ये देखें, ये बंदा फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन कर रहा है, लेकिन इसके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं। बट ये जो 3 रेटिंग वाला है, लेकिन ये मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट यानी FBM कर रहा है, लेकिन ये जो है ये FBA कर रहा है और इसके रिव्यू सिर्फ 10 हैं। 10 है, इसका मतलब ये न्यू सेलर हो सकता है, मे बी कि ये न्यू सेलर ही है। तो हमने इसका स्टोर खोल लिया, कैसे, इसके डायरेक्ट इसके नाम पे क्लिक किया, ये खुला। अब हमने इसके ये विजिट द JL सॉल्यूशन USA, इसको जब हमने दबाया तो इसका स्टोर खुल गया। ये 502 आइटम्स बेच रहा है और ये ब्रांड बेच रहा है ये। तो मे बी इसमें सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट्स हों और ये आराम से, क्योंकि ये नया सप्लायर है, इसको जब दे सकते हैं तो वो हमें भी दे सकते हैं अप्रूवल। तो ये हम जितने भी ये लिखा आ रहा होगा ना, सोल्ड बाय अमेजोन, इन प्रोडक्ट्स को छोड़ देना। ये जितने भी लिखे आ रहे हैं, ये स्केप कर करके हमें ये प्रोडक्ट जो है, बेस्ट सप्लायर भी लगा हुआ है और 33 का मिल रहा है, 3 सप्लायर हैं। इसको हम खोल के देखते हैं, ये में भी अच्छा प्रोडक्ट हो, लेकिन ये लोएस्ट प्राइस में 16.87 का मिल रहा है, ये लिखी हुई लोएस्ट प्राइस। अब हमें 16 से नीचे का चाहिए, क्योंकि हम शुरू में कंसीडर करते हैं सबसे लोएस्ट प्राइस को ताकि हम बाय बॉक्स विन कर लें। तो हमने डायरेक्ट ये कॉपी किया और यहाँ पे ये कॉपी किया वाला और ये हमने पेस्ट कर दिया। दिया हमने वॉलमार्ट पे देखा, वॉलमार्ट पे खोल लिया,
ज़ाडा को नहीं खोलेंगे क्योंकि ये मलेशिया की कंपनी है और आते आते ये बहुत चार्ज कर लेगी। होम डिपोट भी अच्छा वो सप्लायर है, इसको भी हम देख सकते हैं, पेज टू पे चले जाते हैं। यहाँ हमें 17.98 का मिल रहा है। अगर हमें अगर हाईएस्ट प्राइस ही ये होती ना 33, तो ये हम जा सकते थे इस प्रोडक्ट की तरह, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट था। लेकिन ये सबसे कम में जो मिल रहा है वो 16.87, तो हमें ये वाली करनी है। तो ये हर उसके लिए नहीं होता। मैं वीपीएन ऑन कर लूँ क्योंकि ये कुछ वेबसाइट चलती नहीं है, जैसे होम डिपोट अपनी ही यूएसए में ही चलता है, तो मैंने यूएसए का वो लगाया तो खुल गया ये। अब ये देखिए ये $6 का है, लेकिन ये है एक और ये दो बंडल है, ये दो बंडल हैं और ये है एक, तो पैक ऑफ टू हमें चाहिए। पैक ऑफ टू, पैक ऑफ टू चाहिए, तो इसका मतलब नहीं है, यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट को डेजर्ट कार्ड में देखते हैं ये कितने का मिल रहा है। पैक ऑफ टू है और इसकी प्राइस क्या है, डेजर्ट कार्ड ने किसी और मतलब उसकी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी नहीं है, तो छोड़ें फिर इसको, छोड़ देते हैं इसको, इसको खोल, लेकिन इसकी प्राइस बहुत कम है, फिर भी इसको खोल के देखते हैं। .79 की बिक्री है और ये सबसे नीचे जो मिल रही है 43.79 की मिल रही है, ये देखें, और चार बंदे से बेच रहे हैं और FBA ही हो रहा है ये प्रोडक्ट। तो हमने सिंपल इसको कॉपी करना है, इन किसी भी वेब्स जाके गूगल पे हमने इसका ये टाइटल कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो हमें वॉलमार्ट पे कितने की मिल रही है, वॉलमार्ट पे ये 3.96, लेकिन हो सकता है फ्लेवर चेंज हो, ये हरा है 43, लेकिन अगर ये मिल जाती तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी। ये वॉलमार्ट पे कितने का मिल रही है 96। अब हम देखते हैं यही प्रोडक्ट मिल रही हो, ये वॉलमार्ट पे ये वाली प्रोडक्ट जो है हरे में मतलब यही फ्लेवर में 4.99 की मिल रही है, इसका मतलब हम, लेकिन पैक ऑफ 16 ओज है ये, और ये प्रोडक्ट है बिग इन 60, और ये भी रुके हैं 16 ओज, लेकिन पैक ऑफ 6 है ये, पैक ऑफ 6, और ये कितनी की, ये कितनी है 16 ओज, लेकिन ये पैक ऑफ 1 है, पैक ऑफ 1 है, ये चीज़ हमें देखनी है लाजमी। ये पैक इसके पीनट बटर के प्राइस देखते हैं, पीनट बटर 3.96, नहीं वायबल नहीं है प्रोडक्ट। ये मसला होता है ड्रॉप उसमें, जब हम प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं कि हमें सप्लायर मिल जाता है कभी, लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिलती, कभी प्रोडक्ट मिल जाती है तो सप्लायर नहीं मिलता। तो पैक ऑफ 6 है, तो ये पैक ऑफ 6 कोई भी नहीं देगा, सिंगल सिंगल दे रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। देखें इसका जो हमने खोला हुआ था, इस बंदे का प्रोफाइल, इसको हम सर्च करते हैं, दो पे चले गए, ये
ये बंदा ज़्यादातर सोल्ड बाय अमेज़ॉन कर रहा है, तो इस बंदे को छोड़ देंगे, मतलब हम बैक कर देंगे, इसको हटा देंगे। प्रोडक्ट हंटिंग सच अ डिफ़िकल्ट टास्क, ये डिफ़िकल्ट टास्क है। अब आप एक एक करके देखोगे तो इस तरह वो नहीं होगा। तो मैं एक ये प्रोडक्ट खोल लेता हूँ। आज हम इस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन बेच रहा है, इस पर लिखा हुआ था, तो इसलिए हम इस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन हम एक काम तो कर सकते हैं कि इससे इसके इस किसी स्टोर में तो जा सकते हैं कि वो ये जैसे हम इसके स्टोर चले गए। अब हमने यहाँ क्लिक किया तो हम इसके स्टोर के अंदर आ जाएंगे और हम यहाँ प्रोडक्ट सर्च करेंगे कि इसे प्रॉफिट हो रहा है तो हमें भी प्रॉफिट हो सकता है। ये नया सप्लायर, ये जितने भी आ रहे हैं ना अमेज़ॉन, ये हमने ये टाइटल देख के ही छोड़ देना है ये। लेकिन इसकी प्राइस कम है, इसमें प्रॉफिट क्या पता हमें कम हो। ये 29 का और 5 FBA सेलर बैठे हैं और अमेज़ॉन नहीं है, तो हम इस प्रोडक्ट को खोल के चेक कर सकते हैं कि ये इसके अब सप्लायर ढूँढें। ये 23.50 की मिल रही है, ये सबसे लोएस्ट में, तो हमें 23.50 पे हमें देखना पैक ऑफ वन है। तो वॉलमार्ट पे ये कितने की मिली थी, 23.50, वॉलमार्ट पे 20.40 की मिल रही है, तो इसलिए हमें प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि जब ये अमेज़ॉन अपनी फीस कट करेगा तो ये हमें मसला होगा। सैम्स क्लब पे देख लेते हैं। सैम्स क्लब पे, सैम्स क्लब पे ये मिली है, पैक ऑफ टू है ये। हमने यहाँ ये गूगल असिस्टेंट खोला हुआ है तो इसके पास भी मैं बता रहा है। तो ये देखें 24 की मिली है और ये सबसे लोएस्ट प्राइस में 22 की मिली है, ये लिखा हुआ है लोएस्ट प्राइस 22.67। ये प्रोडक्ट है तो ये सैम्स क्लब पे मिली है, पैक ऑफ टू ही है और ये 28 औंस, और यही चीज़ है। नहीं, ये थोड़ा सा औंस का फ़र्क लग रहा है मुझे, 20 बल्कि नहीं, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है, 28 औंस और पैक ऑफ टू। ओ सॉरी, मुझसे बंद हो गया, खोल लेते हैं वापस सैम्स क्लब 6.8। लेकिन ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है, ये हमें प्रोडक्ट मिल चुकी है अच्छी, लेकिन ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है। BSR भी अच्छा है इसका, BSR तो ये आप भी आउट हो लेना एक। और यहाँ पे हमने इसके लिंक्स कॉपी कर लेने हैं, जैसे मैं ये अपने मेथड बता रहा हूँ कि मैं कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करता हूँ, तो यहाँ इसके लिंक कॉपी कर लेना और सप्लायर सैम्स क्लब, सैम्स क्लब पे कितने का मिल रहा है, सॉरी सैम्स क्लब पे ये, तो हमने डायरेक्ट इसके लिंक कॉपी कर लेने हैं। सॉरी सॉरी, इसका लिंक कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर लेना है। अब हमने एक दो दिन बाद चेक करना है ये खोल के, ये अगर ये अवेलेबल हो गई तो हम इस प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट है ये। 24 पिक्चर पे नहीं जाएं, देखें पिक्चर पे ये आ रहा है लेकिन ये टाइटल पे लिखा हुआ है पैक ऑफ टू और 28 औंस, और यही चीज़ है। और यहाँ पे भी टाइटल पे ये है और पैक ऑफ टू ही है और 28 औंस, ये देख लें। तो ये एक हमें प्रोडक्ट मिल चुकी है, तो ये हमने लाइव प्रोडक्ट ढूंढ लिया।
तो हमने इसमें एक ट्रिक भी बता दी है कि आप सब इसको इसको खोल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किसी स्टोर में से खोल के देखा है। इस तरह हम और भी प्रोडक्ट्स खोल के देख सकते हैं, ये खोल के देख लिया, वो खोल के देख लिया, ये आपको मैंने मेथड बता दिया, अब आप खुद कर सकते हैं ये प्रोडक्ट हंटिंग। तो अगली वीडियो में प्रॉफिट कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा कि हमें कितना प्रॉफिट कट जाता है, कितना हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा इस तरह। और अगर आपकी कोई क्यूरीज हो इसके मुतालिक तो आप पूछ सकते हैं उसमें कमेंट्स में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।